नो ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल्ड या नो ऑडियो डिवाइस फाउंड। अगर तुम्हें भी इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है अपने विंडोज 11 पीसी या लैपटॉप में ऑडियो आइकन पे होवर अप करने पे और तुम ऑडियो यूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी तरह का चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए चार सोल्यूशन है जो बहुत इफेक्टिव हैं और 99% तुम्हारा ये इशू रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसके अप्लाई करो वन बाई वन और मेक श्योर कर लेना जहाँ जहाँ भी मैंने बोला है कि रीस्टार्ट करो डिवाइस को, तो रीस्टार्ट करके दोबारा चेक कर लेना। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर तुम्हारा इतना अप्लाई करने के बाद ये तुम्हारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अगर फिक्स हो जाती है तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर अभी तुम मेरे पीसी पे देखोगे राइट हैंड कॉर्नर पे ऑडियो आइकन पे जैसे मैं होवर अप करता हूँ तो ये कहता है नो ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल्ड। और इवन मैं इस पर क्लिक करने के बाद अगर वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मुझे कोई भी तरह का वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए सिंपल आपको क्या ट्रबल शूटिंग करनी है। सबसे पहले अपने विंडोज़ 11 या 10 के सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। सबसे आसान और सबसे बढ़िया फिक्स होता है ये। यहाँ पे आप क्लिक करो ट्रबल शूट सेटिंग्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है अदर ट्रबल शूटर और यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है प्लेइंग ऑडियो। पहले इस पर आप क्लिक करके रन कर सकते हो। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम तुम्हें डिटेक्ट होती है, कोई सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, और एल्स हम दूसरे ट्रबल शूटर पे भी स्विच करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये डिटेक्ट कर रहा है, कह रहा है चेकिंग ऑडियो सर्विसेज रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। तो देखो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इसने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और कह रहा है वन और मोर ऑडियो सर्विस इजंट रनिंग, जो कि अब फिक्स हो चुकी है। और जैसे ही फिक्स होती है देखो राइट हैंड कॉर्नर पे जो मेरा वॉल्यूम वाला आइकन है, अब इस पे मैं अगर होवर अप करता हूँ तो मेरी वो इशू रिजॉल्व हो गई है नो ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल्ड वाली। ठीक है, तो अब इसके बाद इसे आपको क्लोज कर देना है। अब अगर आपका भी इशू यहाँ से रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, आपको अपडेट करना है अपना ऑडियो ड्राइवर। तो विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे चूज़ करो डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है ऑडियो इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे स्पीकर के साथ आपकी प्रॉब्लम है तो स्पीकर पे क्लिक करिए, इस पे राइट क्लिक करिए और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर दीजिए। सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। अब यहाँ पे अगर अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, नहीं तो ये इस तरह का मैसेज आएगा। इसे यहाँ से क्लोज कर दो। अगर अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो दोबारा से स्पीकर पे राइट क्लिक करो और अनइंस्टॉल डिवाइस कर दो। अनइंस्टॉल दोबारा पे क्लिक करो और उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करो, दोबारा से ये तुम्हारा रीइंस्टॉल हो जाएगा और चेक करो क्या तुम्हारा ऑडियो इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस अगर अभी भी नहीं होता है तो मेक श्योर कर लो कि यार ऑडियो सर्विस जो विंडोज़ की ऑडियो सर्विस होती है वो रन कर रही है। तो उसके लिए विंडोज सर्च पे क्लिक करो, टाइप करो सर्विसेज, सर्विसेज ऐप पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें एक सर्विस ढूंढनी है विंडोज़ ऑडियो सर्विस। ठीक है, तो नीचे आने पे डब्ल्यू पे सेक्शन में आपको मिलेगा विंडोज़ ऑडियो, इस पे डबल क्लिक करो और ये स्टार्टअप टाइप मेक श्योर कर लो कि ऑटोमेटिक होना चाहिए और सर्विस स्टेटस आपका रनिंग होना चाहिए। अगर रनिंग नहीं है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको भी करने के बाद दोबारा से आप रीस्टार्ट करो और ऑल्सो मेक श्योर कर लो कि तुम्हारा हर एक डिवाइस प्रॉपरली कनेक्टेड है। उसके बाद रीस्टार्ट करो और चेक करोगे तुम्हारी ऑडियो इशू जो है रिजॉल्व हो चुकी होगी और जो ये नो ऑडियो डिवाइस फाउंड या इंस्टॉल्ड वाला ऑप तुम्हें एरर मैसेज आ रहा था वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी भी इशू होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।